नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुज वीरभान, सीनियर कंसल्टेंट एट संजीवनी आयुर्वेद आश्रम गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते क्या हैं और इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो आपकी डिस्टर्ब लाइफस्टाइल या डिस्टर्ब जीवन शैली की वजह से पैदा होते हैं, जिसके अंदर ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, हार्मोनल इम्बेलेंस रिलेटेड डिजीज जिसमें पीसीओडी वगैरह आती हैं, ये सारी डिजीज और साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल जिसमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये सब कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से पैदा होते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में हमारी जो दिनचर्या होती है, जिसमें हम सुबह लेट उठना, जल्दी लेट सोना, ये सारी की सारी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से अब रोगों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, देखिए आप जो भी आप खाते हैं या जो भी आपकी लाइफस्टाइल होती है उसकी वजह से बॉडी के अंदर वात पित्त कफ जो होते हैं उनमें इम्बेलेंस पैदा होता है और इनमें इम्बेलेंस की वजह से आपको ये डिजीज पैदा होती है। आज के टाइम में जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल होती है उसमें हम अपने किसी भी तरीके से हम अपने आप को संतुलित रखने की कोशिश नहीं करते हैं। शरीर को आयुर्वेद में प्रकृति के अनुसार आपके शरीर को बांटा गया है और उसी प्रकृति के अनुसार आपको आहार विहार का सेवन करना चाहिए, तभी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद में आपकी जो 12 महीने जो होते हैं उनको भी आयुर्वेद में 6 ऋतुओं में बांटा गया है और इन्हीं 6 ऋतुओं के अकॉर्डिंग आपको आहार विहार का सेवन करने की भी सलाह दी गई है। जैसे कि सर्दियों में अगर आप दिन में सोते हैं तो आपकी कफ की वृद्धि होती है, जबकि गर्मियों में दिन में सोने से आपकी बॉडी रजुनेट होती है। जिस तरह से आप एक रही बात व्यायाम की, व्यायाम आपकी बॉडी के लिए जितना आपकी बॉडी का बल होता है, शरीर का जो बल होता है उस बल के अनुसार आपको आधे बल के ही व्यायाम करना चाहिए। जबकि आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग दिन में 3 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे जिम करते हैं, जबकि वो गलत होता है, उससे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई डिजीज आगे चल के पैदा हो सकती है। आज के टाइम में जिस तरह से पीसीओडी, गॉल ब्लैडर में स्टोन, ये सारी जितनी भी डिजीज आज के टाइम में पैदा हो रही है ये कहीं ना कहीं व्यायाम की कमी की वजह से हो रही है। व्यायाम कम करने की वजह से आपकी पीसीओडी में सिस्ट बनना शुरू हो जाता है और गॉल ब्लैडर का जो बाइल होता है वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें लिपिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, आपकी सिस्ट में लिपिड डिपॉजिट हो जाता है ओवरीज के आसपास, तो उसकी वजह से ये सारी की सारी डिजीज पैदा होती है। अगर आप व्यायाम करें तो ये काफ़ी सारी डिजीज आपको ना भी हो ये। और इसी के साथ जिस तरह से नाइट शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी की वायु बढ़ जाती है, वायु बढ़ने की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, पेट में गुड़गुड़ इस तरह की शिकायतें होती हैं। अगर वो सुबह उठ के अपनी बॉडी के ऊपर एक बार ऑयल की मालिश कर लें अच्छे से तो उससे उनकी बढ़ी हुई जो वायु होती है वो कम हो जाती है और उनको कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक ट्रबल जो होती है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। आज के टाइम में जिस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनको काफ़ी सारी डिजीज, जिनमें हम कंप्यूटर रिलेटेड इंजरीज या सीआरई इनको बोलते हैं, उसमें उनके हाथों में नमनेस आना, सर्वाइकल की सिम्टम्स आना, आंखों में ड्राइनेस आना, ये सारे के सारे जितने भी सिम्टम्स होते हैं ये सीआरई इंजरीज जो होती हैं, कंप्यूटर रिलेटेड इंजरीज जो होती है उनके अंदर आती है। तो हमें उनको किस तरीके से हम अपनी बॉडी को संतुलित रखें, हम अपना आहार विहार किस तरीके से संतुलित रखें ताकि हम इन सारी डिजीज से बच सकें, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।